Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब ये जो सॉन्ग है ये प्रॉपर पंजाबी है और मैं तो खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना जो एक्सेंट थे पंजाबी के मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है बट ठेठ पंजाबी एकदम बट टचवुड ऊपर वाले ने मुझसे कराया है ये काम और बहुत अच्छा साउंड कर रहा है गाना फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी गानों को आप लोगों ने प्यार दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाने को भी उतना ही प्यार आप देंगे और रिसेंटली जो मेरा सॉन्ग आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस गाने को डंकी मूवी में मैंने गाया है मैं तेरा रास्ता देखूँगा विद माय ब्रदर शादाब फरीदी तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है उससे पहले तेरे वास्ते और अभी फिर ये साल की शुरुआत है और मुझे ये उम्मीद है कि मतलब शुरुआत इस गाने से मेरी हो रही है तो ये मेरा मतलब पहला गाना मेरा ये आया एटीट्यूड तो मतलब मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने चाहा शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है तो ये धमाल जाने वाला है साल और हमारा गाना भी मुझे लगता है कि बहुत ही आगे जाएगा और बहुत पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह इसमें ना कुछ लाइंस है डांस ने की तरह लौंडा फिर आगे नहीं मतलब एक पंजाबी लाइंस है जो बिल्कुल ठेठ है मतलब राइट इन्होंने इतना अच्छा गाया कि मुझे समझ नहीं आया कि ये एक ऐसा बंदा गा रहा है जिसको पंजाबी आती नहीं है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ये गाना डंकी फिल्म के गाने के बाद में इनका पहला गाना है इमिडिएटली उसके बाद इनकी पहली कोलैबोरेशन है किसी फीमेल सिंगर के साथ राइट इन्होंने हमेशा जो गाने गाए हैं वो सोलो गाए हैं एक चुम्मा तो बनता है या एक मुलाकात बहुत सारे गाने सोलो आए वे कमलिया आल्सो वे कमलिया नाउ शुभो शुभो इज आल्सो हाँ शुभो शुभो अभी फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ है इनकी पहली कोलैबोरेशन है तो आप लोग सोनिया के साथ में सोनिया मल्होत्रा सोनिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बहुत अच्छा गाया है इन्होंने बहुत बढ़िया गाया है और इनका पहला पंजाबी गाना भी है और मेरे साथ में भी है ना पहला गाना ये हमारा भी पहला कोलैबोरेशन हमारा भी पहला है पंजाबी गाना इस साल का पहला गाना और डंकी के बाद में पहला गाना और इसमें दिनेश भाई की मेहनत बहुत है ये इतना अच्छा गाते हैं जब ये गाना गाते हैं ना ये में एक सरगम छेड़ते हैं दिल छू लेती है बिकॉज इस गाने के लिए बहुत ही मेहनत की है दिनेश भाई ने क्योंकि देखिए क्या होता है ना सिंगर क्या होता है इधर है उधर है अभी शोज चल रहे हैं सीजन का टाइम है बट दिनेश भाई ने पकड़ा हुआ था भाई करना है आज करना है मैंने कहा चलो आज करके इसको फिनिश करते हैं इन्होंने इतना अच्छा पंजाबी गाना गाया अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर और मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसे बंदे से गवा रहा हूँ जिसको बिल्कुल पंजाबी आती है और हमारे यहाँ पर जो कास्ट है वो भी मौजूद है अचिंत बहुत अच्छा काम किया आपने यार मानसी जी दोनों हैंडसम ब्यूटीफुल है एंड इसकी बॉडी बहुत अच्छी है इसने बहुत अच्छा काम किया है इसने बॉडी बहुत अच्छा काम किया आप देखना अंदर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग मानसी वेरी गुड मूव्स वेरी गुड एक्टिंग दीपक जवान जी इनकी अभी रिसेंटली आई थी पिछली फिल्म सब मोम आया है स्टारिंग शर्मन जोशी एंड अनु कपूर अब इनकी फिल्म और है जो कि
71 years में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अवार्ड लेके आई है फिल्म फेस्टिवल्स में, स्पीड फिल्म फेस्टिवल्स. तो इनकी फिल्म है बहादुर द ब्रेव, जो कि को प्रोडक्शन की फिल्म है. एंड दीपक जी, कुछ आप कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है. मेरा भी म्यूजिक लेवल का फर्स्ट सॉन्ग है ये, डी डी म्यूजिक वर्ल्ड. मैंने अभी स्टार्ट किया है अभिनेश भाई के साथ, तो उम्मीद तो बहुत है और सब अच्छा ही होगा. तो सबका ही पहला है फर्स्ट सोलो मिशन है, वो अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा काम किया है. जो मैं आज यहाँ खड़ी इनके साथ, तो दूसरा इनकी आवाज लाइक इतना सुनने में, आप सुनोगे तो पता चलेगा, लाइक इट्स नॉट लाइक फीलिंग लाइक ही इज नॉट अ पंजाबी, ही इज नॉट अ पंजाबी. मतलब ऐसे लगेगा कि एक पंजाबी का गबरू गा रहे हैं. अगर पंजाबी में बोला जाए तो एक भंगड़ा सॉन्ग है, जो जिसपे भंगड़ा करा जा सकता है, और बीट सॉन्ग है जिसको सुनते ही पैर थिरकेंगे. मैंने कोई हेल्प नहीं किया, वो दिनेश ने. जैसे कहते हैं उस्ताद लोग होते हैं, हम पहले कानों को हाथ लगाते हैं, क्योंकि उनको बताने से मैं ही डरती थी. मतलब ये इतने अच्छे हैं, इनको बस ये था कि इनको बताना कि ये वर्ड है. वो खुद ही उसकी कमान, उसको खुद ही एंड कुछ वर्ड्स थे, यस क्यूट क्यूट तेरी ब्यूटी एक रोंदी, डेफिनेटली इंग्लिश वर्ड्स थे जो एक्चुअली क्या होता है ना, वर्ड्स नॉर्मल होते हैं बट वो गायकी में उसको गाना वो बड़ी बात होता है. वर्ड्स तो नॉर्मल होते हैं, क्यूट क्यूट है और भी काफ़ी, बट उनको गाने में आपको एक एक टेम्पो में बिठाना वो बड़ी बात होता है. तो देखो मेरे पास भी एक सिंगर थे अल्पेश चुगली, मैं इनके पास भी गया था. मैं क्या बताऊँ क्या जर्नी थी. मैंने कहा कि यार मेरी वाइफ है, इसने गाना गाया है और मतलब कि हम एक क्लैब जा रहे हैं, और मैंने पहले कैसे पूछे, अरे चाहिए नहीं वाइफ है वहाँ भी जाना है, चाहिए नहीं. तो ये ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये डे वन से मेरे दिमाग में थी. मेरे जो फर्स्ट सिंगर एंड लास्ट सिंगर इन दिमाग में, आई एम वेरी हैप्पी. आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर देखिए, साल की शुरुआत हुई एक पंजाबी गाने से, क्योंकि बहुत अच्छा गाना है और ओवरऑल बहुत अच्छा है, और पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने. तो मुझे लगता है कि ये गाना सुनने के बाद मुझे ऑफर्स आने वाली है पंजाबी सॉन्ग्स की प्रॉपर. अगर हम ये बोल दें कि आपका ये गाना मेरा दिल डरदा, सॉरी उसकी ब्रांडिंग कर दी हमने, मेरा दिल डरदा पंजाबी आ रहा है, तो वो भी अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया गाना है. और जो पंजाबी को ये यस, इनको पंजाब में मैजिक कराया हूं, यस दो लाइन दीजिए पब्लिक के लिए, दो लाइन सुना यही गाना है, यही गाना गाया जाएगा. ओके ये आ गया आपके बॉक्स, शुरू करते हैं साथ में गाते हैं. आप कौन से सीखो, तो डांस स्नेक की तरह लौंडा फिर आएंगे, बहुत अच्छा है. डांस स्नेक की तरह लौंडा फिर यादनी करोगे मुंडे आते डेली डिस्प्यूट नी तेरी ब्यूटी आ करोंदी, मुंडे आते डेली डिस्प्यूट नी तेरी ब्यूटी आ करोंदी. हम लोग इसके हुक पे जोर देते हैं, गाना पूरा लॉन्च होगा तो फिर आप इसको सुनेंगे. आपसे एक सवाल है, हर एक सक्सेस मैन के पीछे उनकी वाइफ, यानी कोई ना कोई फीमेल का हाथ है. आपके लाइफ में ये तो आपकी वाइफ है, इसके अलावा इंडस्ट्री में इनका क्या रोल रहा है, आपका सपोर्ट क्या रहा है? हाँ, वो जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको पता होगा कि मेरे जितने भी गाने हैं, इसने अभी तो इस गाने में एज ए सिंगर लॉन्च, मतलब सिंगर लॉन्च हो रही है, बट मेरे जितने भी गाने अब तक बने हैं उसमें शी वाज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. तो शी यूज्ड टू राइट ब्रेक डाउन क्रिएटिविटी, देन आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम क्या पहनने हैं और सब चीज़, तो लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये पीछे रही है, शी वाज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. नाउ करंट सिंगर, तो मैं चाहता हूँ अभी ना ये क्रिएटिव डायरेक्टर ना ही रहे, अब ये सिंगर ही बनते रहे. वो सिंगर इतने गाने गाए, इतने गाने गाए,
की कमाल हो जाएगी। सर एक्सपीरियंस मेरा दिनेश सर के साथ हमेशा अच्छा रहता है। ये मेरा सेकंड सॉन्ग है दिनेश सर के साथ। फर्स्ट सॉन्ग मैंने नशा किया हुआ था, रोमांटिक सॉन्ग। दिनेश सर ने उससे बोला कि कुछ अलग करते हैं, डिस्को टाइप में कुछ अलग सॉन्ग लेके आते हैं पंजाबी में, हुक स्टक तुम्हारा तो उसके लिए प्रिपेयर करो। फिर मैंने बोला ठीक है सर करते हैं। तो फिर अल्तमस भाई ने भी बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग किया। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट कि आप मतलब इतना अच्छा मेरे लिए गाएंगे उस सॉन्ग में। एग्जैक्टली मैं शॉक, क्योंकि हमेशा मैंने इनके सॉन्ग हिंदी सुने, हिंदी वर्जन में पूरा ठेठ वर्जन। हाँ ठेठ उनके लिए बिल्कुल हटके, हाँ अलग जोन। अल्तमस भाई ने ठेठ वर्जन बिल्कुल एक्सेंट में इतना प्रॉपरली स्मूथली गाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी फर्स्ट टाइम एक्चुअली इनको भाभी बोलता हूँ क्योंकि दिनेश सर सन को सर बोलता है, इनको भाभी बोलता हूँ। बट भाभी ने फर्स्ट सॉन्ग डेब्यू किया, बहुत अच्छा लगा। एंड मानसी शी इज़ अ गुड एक्टिंग इन द सॉन्ग एंड गुड एक्टर एंड वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा डांस। मतलब इतनी अच्छा किया आप देखोगे ना लगेगा अरे क्या केमिस्ट्री है यार। दे हैव डांस वेरी वेल एंड दे वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड या आई लव दिस सॉन्ग। और जिनते ने मुझे सपोर्ट किया है इसकी वजह से मैं कर पाई सारी चीजें। ऑलवेज ऑलवेज बिल्कुल नहीं हो पाता। ऑलवेज ऑलवेज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम के साथ काम करके? एक्चुअली मैंने इसके पहले भी सर के साथ बहुत सारे सॉन्ग किए हैं। और रही बात अल्तमस जी की, तो इन्हें बस हमने सॉन्ग सुना है, आज उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। स्पेशली जो सबके लिए अल्तमस सर डंकी फिल्म फेम और उसका लगना एटीट्यूड तो हम सबके को बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। इनका सबसे ज्यादा एटीट्यूड तो भाई का ही दिखा। सबसे ज्यादा भाई भाई का ही दिखा। मैं कहते गाने के नाम में एटीट्यूड है। क्या क्या गाना है? हां क्या बाइट दिन की बहुत अच्छा या। और कुछ और चीजें भी हैं अचिंत्य के साथ में। हां या सो सर आपने बोला नशा आपने जी बोला कि नशा आपने गाना दिया। हाँ लास्ट का नशा किया था। मैंने दिनेश सर ने मुझे प्यार का नशा कराया था उसमें जो कभी नहीं उतरता है। सारे नशे उतर जाते हैं लेकिन प्यार इसका नशा कभी नहीं उतरता। उनका बोलने का मतलब लड़कियों का नशा है क्या? अच्छा नहीं 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 प्यार का नशा है। मैं बोल तो ना प्यार का नशा है वो। थैंक यू सो मच। इसके बाद कुछ आने वाला है? हाँ वो कुछ आने वाला है। यस यस सर यू अनाउंसमेंट ठीक है ओके। सो डीडी सिनेविजन सर का प्रोडक्शन है उसे। और ये तो गाने हम कर रहे हैं डीडी म्यूजिक डीडी डीएस कृष्ण म्यूजिक एंड डीडी म्यूजिक वर्ल्ड। लेकिन सर का जो बेसिकली ही इज फ्रॉम द मूवी बैकग्राउंड तो सर एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं विद अजिंत्य रावत जो कि मार्शल आर्ट्स पे है। और उसके लिए अजिंत्य अभी से बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है एंड हम एक गाना भी कर रहे हैं अजिंत्य के साथ में बहुत ही अच्छे वाला। तो वी डूइंग टू प्रोजेक्ट्स, एक गाना मतलब म्यूजिक वीडियो म्यूजिक सिंगल एंड वन शॉर्ट फिल्म बहुत ही जल्दी। मानसी के साथ में हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं और मानसी के साथ एक गाना कर रहे हैं। दो दो प्रोजेक्ट हम दोनों के साथ में कर रहे हैं। ये पंजाबी क्राउड के लिए पंजाबी में कुछ कर दीजिए ताकि 2024 में और सारे पंजाबी सॉन्ग आए आपके ताकि और आपको प्यार मिल जाए। मैं सब पंजाबी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ मैं कुछ गाना चाहता हूँ पंजाबी में। अरे वाह अरे वाह तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे वाह कि देखिए मैं जो भी पंजाबी में बोलूँगा उनको समझ में आएगा नहीं आएगा उससे अच्छा मैं अपनी आवाज़ से उनको विश करता हूँ। मेरा एक सॉन्ग मैंने किया था सोनी दे नखरे। वाह और भी काफ़ी गाने किए पंजाबी बट ये मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट गाना है एटीट्यूड। ओ किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया। सारे गले गले सारे गले खस्ता उतनी सोनी आवाज सारे गले गले
सारे गरे घसा सारे गरे गरे सारे गरे घसा सारे घसा रे गापा दसा दबा बगरे घसा किन्ना सोना रब ने बनाया। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, पंजाबी गुजराती बंगाली सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, लव यू, थैंक यू सो मच। मैम आपसे सवाल है, मुझे शौक तो बचपन से ही है गाने का, तो मेरे मदर्स भी बहुत मुझे उन्होंने इनकरेज किया हमेशा, तो बट इन्होंने अच्छे से पहचान लिया आफ्टर मैरिज। तो मैंने वर्कशॉप्स करी, मैंने प्रैक्टिस करी, घर पे रियाज किया, कभी दिन वाला रियाज, कभी रात वाला, शाम वाला, यू नो। तो लोकेशन शूटिंग की यही लोकेशन थी, ग्लास हाउस, यही शूट किया है। गाइस हमने दिखाना द ग्लास हाउस में शूट किया है इसी जगह पे, और हमने दिखाना यहीं पे रिलीज किया। वाह, हमने क्या कर दिया सोचो। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा सबको जो जो मेरी टीम में है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हमारे साथ, जो पीछे मैं देख पा रहा हूँ इनको, अभिषेक झा, नीति सिंह हमारे कोरियोग्राफर, देन लक्की भवानीगर, भवानीगर एक छोटा सा शहर है, और लक्की, यस वो मेहनत की इन्होंने, उनके डांस रिहर्सल्स किए हैं, वेरी वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, घमंड नहीं करना एक पैसे का। ओके लोकेशन दिख रही अब देखो सी अभी क्लास हाउस इतना बड़ा है कि आधा यूज हो गया है ना। हम एसोसिएट हुए 50 साल के लिए, पता नहीं हमारी उम्र 40 साल और है कि नहीं है, हम 50 साल जुड़ गए हैं। एंड सर के साथ में हम क्या करेंगे, सर डिसाइड करेंगे, सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में की है, सब मोम आया है जो कि अभी जी पे रिलीज हुई है, एंड अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसका। अब बहादुर ने बताया आपको, तो सर का ये फोटो है लाइक कि जो अच्छी लोकेशन वो देगी हमें, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना कॉर्पोरेट मिला बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी देखो कि यहाँ पे कैमरा सेटअप लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे हम खड़े हैं जैसे मतलब ये हमारा खुद का ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग आ भी सकते हैं, लेकिन देखो कितना कोऑपरेशन है। इन शॉर्ट सारा शूट एसी में हुआ, इससे ज़्यादा क्या, वेरी कूल, बड़े आराम से एसी में शूट हुआ, अंदर ये नहीं कि बाहर जाना है, धूप वगैरह कुछ नहीं भैया, आराम से चिल। हाँ सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ है, और दिनेश जी तो ये तो गिनीज बुक वाले आदमी हैं, बहुत अच्छा शूट इन्होंने किया, सारे गाने इनके अच्छे होते हैं। अभी हमने दो गाने किए हैं और आगे हमारे प्लान अच्छे हैं, कुछ 18 सॉन्ग हम लोग साथ में कर रहे हैं नए जो लेवल पे। मैं तो बहुत कॉपरेटिव वैसे ही सबको करता हूँ, क्योंकि भाई जैसे हैं, तो अच्छे आदमी हैं, कुछ अच्छा। जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगू तेरे लौट आने की, मैं दुआ मांगू तेरे लौट आने की, रब की आदत है मुझको आजमाने की, रब की आदत है मुझको आजमाने की, सुन ले मेरी भी जिद है तुझको पाने की, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू। और आपको पता है, आपको पता है, जब मैं एक दिन सुबह उठा इनके गाने के रिलीज के दो दिन के बाद, शाहरुख खान ने ट्वीट किया हुआ है कि व्हाट ए सोलफुल वॉइस अल्टिमेट फ्रीडी, एंड भाई का नाम शदाब, शदाब फ्रीडी, शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया, ओ सॉरी पोस्ट डाला इंस्टा पे, मैं कहा तो आप मेरे साथ थे। यार देखो, जब डायरेक्शन दिनेश शोई जी करते हैं ना, एटीट्यूड आ ही जाता है, समझे। और गाना गाया अल्तमास भाई ने, बहुत बेहतरीन गाना है, आप वीडियो का देखेंगे तो आपको क्वालिटी दिखेगी, हाँ एक प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो है, खर्चा हुआ है, एक अच्छी चीज़ बनाई गई है, और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस को भी यही चाहिए होता है आजकल, आप अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बनाएंगे वो अच्छी ही बनेगी। बिल्कुल सही बोला। तो आपको सुना है इससे पहले गाना, इससे पहले
भाई मुझे सुना देते हैं बहुत सारी चीजें पहले ही हम अंदर वाले लोग हैं। क्या बोल दिया? सही बोला है तुमने। नहीं ये गाना देखा हुआ, ये गाना नहीं सुना हुआ है। सुना हुआ है, देखा नहीं भाई। देखा मैंने इसके उस पे जो उन्होंने जो टीजर भेजा था। हाँ मैडम का किस तरीके से आवाज लगा आपका पहला ये डेब्यू है? देखो अच्छी सिंगर है, अच्छा गाया है। एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर फ्यूचर। यार लड़कियों में एटीट्यूड ना ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा? दीपक सर जो एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो आपको ऐसा खुला हाथ देते हैं कि आप करिए बस काम करिए, खुल के काम करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसमें आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो आप दिखाइए, वो सबसे मज़ेदार चीज़। पैसा बहुत तीन कर चुका हूँ और अभी और 300 करने वाला हूँ। हाँ जी आप बताइए। सर पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ दीपक जी को, मैंने गाना सुना नहीं है पर जहाँ तक मुझे लगता है कि दीपक जी ने गाना चुना बहुत अच्छा ही होगा। हाँ दीपक जी ऐसे पैसे लगाएंगे मैं तो यही कहना चाहूँगा, मतलब ये गाना सुन के ना मज़ा आ गया, मज़ा ऐसा आया, मतलब मैं पहली बार अपना सुनील जी को सुन रहा हूँ और सुनील जी को इतना मैं यहाँ के कुछ ऐसा एक्सेंट आता भी जो पंजाबी गाने गाते हैं वो तो लगता है साके साथ थोड़ा ब्रांड बना प्योर पंजाबी और तो मिश भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया है, कमाल हो गया। और मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा मतलब दिनेश भाई है ना ये बादशाह एल्बम के, मतलब ऐसी एल्बम बनाते हैं ऐसे कमाल करते हैं। उसके बाद ये देखो हमारे हीरो साहब मतलब कितने स्मार्ट हैं, कितने स्मार्ट हैंडसम मतलब ऐसा। और प्रोड्यूसर साहब और ये देखो प्रोड्यूसर साहब भाई पहले पता चल जाता है प्रोड्यूसर है ये। और हीरोइन कमाल, मैं तो बोलती है कमाल। अरे कहा एक बात कर बोल गया, हम जब गाने की कास्टिंग कर रहे थे तो गाने की लाइन्स थी 5-8 हाइट रंग मिल्की वाइट, मतलब लंबी लड़की 5-8 या उससे ऊँची स्लोश हेट द गर्ल 5-8 होगी। तो हमने कास्टिंग बहुत सही की, वेरी गुड फिल्ड लेकिन कास्टिंग बहुत अच्छी। मुझे लेट बुलाया, ये दोनों कमाल है, ये भी कमाल है, सारे कमाल है, मैं भी कमाल हूँ आप भी कमाल। बहुत मजा आ गया, मतलब ये जो एटीट्यूड जो इनका एल्बम का नाम है, मतलब हीरो है, प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं, दिनेश अपना ये अल्तमश और सुनिया जी और नाम मानसी, कमाल मजा आ गया। सीनियर एक्टर ऐसी बात बोलते हैं तो मजा आया था सुन के भी, क्योंकि इनका हमने काम देखा है और इनको काम को देख के मतलब हमें लगता था अरे वाह जो हम पंजाब में थे ना लाइक मैं एक ही बात बोलूंगा जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ये एल्बम देख के ये गाना सुन के वायरल लगा मुझे बड़ा अच्छा इज्जत हसीना अगर मिसी रोटियां मैं हूँ प्रदा अच्छा इज्जत कह रही हूँ बहुत मजा बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू आपका बहुत धन्यवाद। अकाल के सर अकाल का एक सवाल है आपका, हाँ मेरा कि अकाल वापस आने वाला था लेकिन क्या वजह है? अभी नहीं आने वाला है, मेरे को अभी अंदर की बात कुछ चल रही है, मैं अभी थोड़ा उन्होंने मेरे को बोला रिवील नहीं करना इस चीज़ को, क्योंकि वो सीरियल ऐसा था जो आप फैमिली में बैठ के आराम से देख सकते हैं, अच्छी कॉमेडी थी, 10 साल चाहते हो 10 साल, तो अभी लोगों की डिमांड है अभी दोबारा फिर आए, तो कुछ मैं चाहूँगा ऐसा करके आपका ऐसे ही प्यार बना रहे, तो मैं चाहूँगा अगर
हमारे प्रोड्यूसर ने कहा भी गाना गवाना हो तो मैं इनका नाम रिकमेंड करूँगा, दोनों का भी ऐसा गाना हो जो रोमांटिक गाना हो, और ये हमारी जो हीरोइन खड़ी है इनके लिए कुछ खास ऐसा करेक्टर हो, आइटम सॉन्ग हो, कमाल हो, माल कमाल हो। ये जो गाना एटीट्यूड है जो अल्तमाश ने गाया है और सोनिया जी ने गाया है, मतलब ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि सोनिया जी, आप रुको एक मिनट, सोनिया सोही जी ने जो गाना गाया है सबसे सरप्राइज की चीज़ ये थी, उन्होंने इतना बढ़िया गा दिया हम सब के लिए, एक्चुअली ये एकदम बॉम्ब था, शॉकिंग बॉम्ब, एंड अच्छा गाया ये और ज़्यादा शॉकिंग था, हमें लगता ठीक है कि यार क्या ही गा देंगे लेकिन अच्छा गा दिया, एंड दिनेश भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी डायरेक्शन में, अच्छा काम किया है हमेशा, एंड वी आर हैप्पी। जो ये डेढ़ महीने से मेरे को दाढ़ी बढ़वा रहे हैं अगले गाने के लिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब शूट करें, कब शूट करें, कुछ कुछ होती है गाइस। अनाउंसमेंट, मुझे तो आप लोग मिलते ही रहते हैं, मेरी भतीजी, मेरी नीज श्रेया अवस्थी, शी इज अ अमेजिंग सिंगर, बहुत जल्दी इसका भी गाना भाई लॉन्च करने वाले हैं। अरे हमारी साइनिंग हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, बस अभी ना वो जो गाना है ना वो किसी एक पर्टिकुलर मौसम में हो सकता है, वो मौसम की वेट है। क्या बात है, ये लड़के को साथ में भाई इसी बात तो शायद दो लाइनें तो हो जाए कुछ भी ठीक है। चंदा तुझे हो देखने को निकला करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, उसने दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया, तू मिले देख ले और जीने को क्या चाहिए। Beautiful. श्रेया अवस्थी ने भी सीए की हुई है, मुझे इसलिए पता क्योंकि आप लोगों को भी पता कि मैंने भी सीए की हुई है। भैया लेडीजों का नाम हमेशा जोर से लेना पड़ता है, आदमियों का नाम धीरे से लो वही ठीक है, हम लगे तो चाय भी तो पीनी है ना घर में, देखो जब लेडीज जोर से अपना नाम लेती है अभिषेक, अरे धीरे से लो भाई जा की रीत है, घर आएंगे तो चाय पानी कौन पूछेगा, गाना भी गाना भी। हाँ जी आपने सुन लिया? जी जी अभी मैंने सुना। क्या लगा किस तरीके से वोकल की बेहतरीन लगी? सबसे पहले मैं दिनेश सर को और हमारे जो अल्तमर सर है उनको और बाकी हमारे जो सॉरी मैं नाम अचिंत्य जी, मानसी जी और सोनिया मैम, इन सब को तहे दिल से यू नो कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात है, यू नो एक टीम है इनके पीछे, और दिनेश सर को मैं जानती हूँ काफ़ी वक्त हो गया, बहुत ही प्यारे इंसान है वो, बहुत ही लाइवली एनर्जेटिक है, और सर आ गए हमारे साथ और हम और सर आ गए, ये बहुत ही प्यारे इंसान है। और उसके बाद मैम, आज हमने मैम का गाना सुना है, उनकी आवाज़ में दम है, मतलब मैं पंजाबी हूँ, मैं बोल सकती हूँ भाई वो पंजाबी, तो मैं भी पंजाबी हूँ, हाय रब्बा पंजाबी च गल कर दी मैं, हाँ जी मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है क्योंकि वो पंजाबी पैदा होने के बाद मैं यहाँ की थी, बस बस एकदम एकदम सही एकदम सही। दीपक जी हमारे प्रोड्यूसर दीपक जी, हाँ जी, इनकी पिछली फिल्म आई थी सब मोह माया है एंड बहादुर, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड इन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है। जी 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 यस हाँ जी हाँ जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैम की जगह अगर आप होते तो? मैम की जगह में मैं अगर होती गाना गाती सर,
नहीं सर, इनको बर्बाद नहीं करना नहीं 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 ये पाप हो जाता हमसे. नहीं सर, हम एक्टिंग कर लेंगे लेकिन गाना बस बाथरूम तक ही सीमित है बस. आप ये पूछो कि ये हमारे गाना कब कर रही है सर? आप हमें काम पता नहीं, कभी लॉकडाउन था कभी ये वहाँ पे थी कहीं तो थी. नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन दिनेश सर के साथ मैं काम करूंगी. बस बस वो इंतजार रहेगा. बिल्कुल वरुण को अभी नेशनल अवार्ड मिला है इसकी एक वेब सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, तुलसीदास जूनियर के लिए. बाकी अभी मैं बात करूंगा इस लॉन्च पार्टी के लिए मैं आया, एटीट्यूड जो सॉन्ग का नाम है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है. मैं अभी यहाँ पे मैंने सुना एंड मैम का डेब्यू है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम. सर ने तो बहुत सारे प्रोड्यूस किए, पहली बार मैम भी इस बार आ चुके हैं. अभी प्रोड्यूसर नहीं आप डायरेक्टर थे अभी सर भी, तो बहुत ही अच्छा लगा. गाना बहुत अच्छी कैची है, एकदम वाइब मिलता है. मैं वहाँ पे डांस कर रहा था सर, उनको देख रहा था, मैं स्टेप्स देख रहा था ना, वो जस्ट ग्रूविंग ऑल अराउंड. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, डांस स्टेप्स बहुत अच्छे हैं एंड जो एक्टर है वो भी बहुत अच्छा है. भैया सुपर्ब, अचिंत्य लव यू सुपर्ब. आपको मैं वरुण के बारे में बता दूँ, वरुण ने बहुत सारी फिल्में की हैं, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में की हैं लाइक ट्रिपल आर और अजय देवगन की फिल्म है आर 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 जिसमें अजय देवगन का बच्चा जो था वो यही था. और कौन सी फिल्म की तुमने हिट? केदारनाथ, बाजार, अभी कड़क सिंह आई है मेरी, ऐसी बहुत सारी फिल्में.